हम सब लोगों का एक ही मकसद है, देश के संविधान, लोकतंत्र, भाईचारा को बचाना का। और 10 साल में मोदी जी ने इतना झूठ बोला कि गोबर को भी हलवा बना दिया। एक वादा पूरा नहीं किया। भाइयों बहनों, मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा साल में, 15 लाख रुपया खाते में दूंगा, किसानों का आय दुगुना कर देंगे, सबके पक्का मकान बना देंगे, महंगाई को खत्म कर देंगे। गैस सिलेंडर जब 400 था तो रोते थे, महंगाई 2.5 लगती थी, अब 1400-1500 हो गया तो इनको महंगाई भौजाई लग रही है। इन लोगों ने केवल ठगा है बिहार के लोगों को, ना विशेष राज का दर्जा दिया, ना विशेष पैकेज दिया, कुछ नहीं किया। आज गरीब गरीब होता गया, अमीर अमीर होता गया। अब 10 साल में प्रधानमंत्री जी के पास कुछ बचा नहीं बोलने को, तो मंगलसूत्र की बात करते। अरे प्रधानमंत्री जी, 10 साल का हिसाब दीजिए, कितना की नौकरी दिए, कितना कारखाना खोले, कितना पलायन रोके, कितना गरीबी को मिटाए। ये ना होता मुद्दा तो यही है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। ना मोदी जी पढ़ाई की बात करते, ना कमाई की बात करते हैं, ना सुनवाई की बात करते हैं, ना सिंचाई की बात करते हैं, ना दवाई की बात करते हैं, केवल केवल मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, इस्लाम, सनातनी। क्या मतलब है भाई? मतलब है हम 17 महीने डिप्टी सीएम रहे तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, 4.5 लाख लोग नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया, स्वयं सहायता समूह का मानदेय दुगुना किए, आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी हमने बनाया, 50,000 करोड़ का निवेश का एग्रीमेंट निवेशकों से साइन करवाया, काम तो हम लोगों ने जाति आधारित गिनना करवाया, 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। ये काम हम नहीं गिरेंगे, हम लोग काम किए 17 महीने में। हम लोग नए लोग हैं, नई सोच है, नया बिहार बनाना है। अब प्रधानमंत्री जी 74 साल के हो गए, 5 साल और मांग रहे हैं, और 10 साल में कुछ दिए नहीं तो अगला 5 साल में और क्या दे देंगे? कुछ नहीं देने वाले, केवल समाज को बांटने का काम करेंगे। आप इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए, 1 करोड़ नौजवानों को पूरे देश में सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। सेना में पहले भर्ती होता था, ये लोग अग्निवीर योजना ले आया, ठेका पे डाल दिया, 4 साल के बाद बाहर, 22 साल में रिटायर हो जाओगे, 18 साल में जाओगे, आधा टाइम ट्रेनिंग में जाएगा, ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगा, ना कैंटीन की व्यवस्था मिलेगी। तो अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे। पहले जैसे बहाली होता था वैसे ही बहाली होगा, ओल्ड पेंशन को हम लोग लागू करेंगे, और आने वाला रक्षाबंधन के दिन से सरकार बनती है तो गरीब परिवार की बहनों को साल में 1 बार 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग करने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपया कर देंगे और 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग करने का काम करेंगे। हम लोग तो बता दिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मोदी जी 8-10 बार आ गए बिहार, सुन लो हो कि क्या कहले हो, क्या बोला, क्या देंगे? कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम खतरा है रे सनातनी के, प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में, कैसे रे भाई?
अरे ये सब ठग लोग है, ये लोग समाज को बांट करके राज करना चाहता है, इसलिए इनके झांसे में नहीं आना है। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी, इनके चक्कर में मत रहिएगा। चुपचाप आप हंसुआ हथौड़ा सितारा छाप पर बटन दबा करके संजय जी को विजय बनाइए, और कैसर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने लालू जी राहुल जी का हाथ मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल